यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला लिया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे अब और कड़ा करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। अब इस बिल को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और विपक्षी नेता इसे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की बांटने वाली राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। देखिए, ये बिल आज सरकार पेश कर रही है सदन में, और मैं मानती हूँ कि इसका हम लोगों ने गहन परीक्षण किया है न्यायिक दृष्टिकोण से। इस पर हम अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक अपराध है। ये कोई अपराध ऐसा नहीं है जिसपे इस तरह की सजाएं जो उसमें लिखी गई हैं, कहीं ना कहीं इसको अप्रोच का और एड्रेस करने का अप्रोच सरकार का वो गलत है। आप पुलिस के हाथ में एक इतनी बड़ी चीज को जांच करने के लिए नहीं दे सकते जिसमें सजा उम्र कैद तक की हो। तो इसमें कई गंभीर विषय बिंदु हैं और उसको हम सदन में रखेंगे। पूरी तरह से सरकार अपना मूल बजट जो उन्होंने पास कराया था उसको खर्च करने में असफल रही। अभी ऐसे बहुत से विभाग है जहां 50% भी पैसा खर्च नहीं हुआ, तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या है? सरकार को बजट लाना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा पहुंचाना, उसके जीवन को सामान्य रखना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। आप बजट ला करके अगर आपकी मानसिकता और इच्छा शक्ति कमजोर है तो आप बजट कितना भी ले आए, उससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लव जिहाद पे अध्यादेश लेके आई है, पहले से ही कानून मौजूद है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है, तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती, वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई। बता दें कि यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पास किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा, और यदि दलित लड़की है तो उसके लिए 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया था कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। यूपी के अलग अलग जिलों में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर या पहचान बदलकर प्रेम जाल में फंसाने वाली घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब इसी को लेकर सरकार कानून बनाना चाहती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।